सो हे गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। सो रियलमी 5S के प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले कुछ बात कह देना चाहता हूँ आपको कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने इंटरनेट खर्च करके, और मैंने भी इस वीडियो को अपलोड किया है मेरा ही इंटरनेट खर्च करके। और आप जो इस वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं वो जिसके फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी किसी और का फ़ोन है, क्योंकि मेरा कैमरा क्वालिटी जो है ख़राब है और कैमरा भी ठीक से ओपन नहीं होता है, बार बार बंद हो जाता है चलते चलते, तो मेरे फ़ोन से मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। सो बहुत ज़्यादा रीज़न है और इसलिए ही मेरा जो है वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा देर लगता है। किसी और से फ़ोन मांगता हूँ उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। और मेरे फ़ोन की हालत देखेंगे आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर टूटा भी हुआ है, यहाँ पर साइड से यहाँ पर देख सकते हैं टूटा भी है फ़ोन जो है। सो ये सब है मेरे फ़ोन के साथ। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है, यही तो है। पैसा वैसा तो कुछ मिलता नहीं है पर मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों का। सो वीडियो को, प्यार जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार बिल्कुल दिल से होना चाहिए प्यार। और मोबाइल के साथ जो है चार्जर का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, नाता है, प्यार है। पर पावर बैंक के आने के बाद से जो है प्यार कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है कभी कभार, पर प्यार प्यार ही रहता है। चार्जर की ज़रूरत हमें हर वक्त पड़ती है। मजाक बहुत हो गया, मजाक की बात साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्यार दोनों का बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 वाट का चार्जर रियलमी ने दिया है और 5000 एमएच की जो है बैटरी है। 10 वाट का चार्जर, 5000 एमएच की बैटरी, एक तरफ भरपूर प्यार और एक तरफ प्यार ही नहीं, प्यार की बहुत कमी है। सो गाइस, आप समझ सकते हैं 3-4 घंटे लग जाएंगे इन दोनों को प्यार एक्सचेंज करने में, फुल चार्ज होने में। सो यही था फर्स्ट प्रॉब्लम। और मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम की वीडियोस, जैसे मैं हर फोन की प्रॉब्लम की वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, और जैसे कि टेक न्यूज़ बहुत लोगों ने दिया है, टेक न्यूज़ गुरुजी और बहुत सारे यूट्यूबर ने टेक न्यूज़ जो है देता है, तो मैंने सोचा क्योंकि क्यों ना हम प्रॉब्लम की बात करें। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम वीडियोस नंबर 1, और सेकंड प्रॉब्लम की बात कर ले। यहाँ पर जो है रियलमी ने इस फ़ोन को प्यार को सामने देख के नहीं बनाया है, प्यार को रियलमी ने सीरियसली नहीं लिया है, प्यार को हमारे दिल को, क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन लाइट के बिना आप कैसे जानोगे कि आपके फ़ोन में मैसेज आया है? कैसे पता करोगे? कैसे आपको तो पता ही नहीं है। यही जो है एक और सेकंड प्रॉब्लम है और जो मुझे बुरा लगा। और इन्फिनिक्स जैसे फ़ोन जो है आजकल नोटिफिकेशन लाइट देना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, पर रियलमी इतना बड़ा ब्रांड होकर क्या कर रहा है भाई? यही था सेकेंड प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है आजकल गोरिल्ला ग्लास का जो है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कितना ऊपर तक जाएगा, और उसके बाद जो है टाइगर ग्लास भी शायद आ जाए, पता नहीं क्या क्या आ जाए उसके बाद। पर यहाँ पर जो रियलमी ने गलती कर दिया है, हमारा दिल कब टूटता है? 2 बार टूटता है दिल, जब हमारा फ़ोन जो है हाथ से गिरता है, जैसे कि मेरा फ़ोन गिर के टूट गया, देख सकते हैं, तो मेरा भी दिल टूट गया। और दूसरी बार कब टूटता है आपको तो पता ही है। सो रियलमी ने पर प्रोटेक्शन जो है गलत दे दिया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन है गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस का, 3 से ज़्यादा बेटर है पर 5 का नहीं भाई, 5 क्यों नहीं? यहाँ पर रेडमी अपने 7 गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 18 वाट का फास्ट चार्जर भी है, पर यहाँ पर ये दोनों कुछ भी नहीं है क्या भाई? रियलमी क्या कर रहे हो, कुछ काम करो ढंग का, ढंग का ही काम करता है, पर इस फ़ोन के साथ कुछ गड़बड़ कर दिया। और उसके बाद की प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद और एक प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, हाँ माना कि ये प्राइस कटिंग के लिए है, पर यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है जिसमें बहुत ही आसानी से स्क्रैचेस आते हैं, कवर लगा के रखो फिर भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। क्या बताओ यार, मैंने एक फ़ोन में कवर लगा के रखा था, किसी और के फ़ोन में उन्होंने लगा के रखा था, मैंने खोल के देखा उस फ़ोन को, क्या हाल है उस फ़ोन का, कवर छोड़ के यूज़ करो फिर भी प्रॉब्लम, कवर लगा के यूज़ करो फिर भी प्रॉब्लम। पर ग्लास बैग के साथ ऐसा नहीं होता है, हाँ टूटने का चांस रहता है, ग्लास बैग में गिर जाए तो टूट जाता है, पर हमारे हाथ से गिरता कब है फ़ोन? उतना आसानी से तो गिरता नहीं है, कभी कभार ही गिरता है जैसे कि मेरे साथ हुआ। पर मुझे जो है कवर लगा के रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फ़ोन वैसे ही हीट होता है और गर्म हो जाता है, कब ब्लास्ट हो जाए पता नहीं, ब्लास्ट तो आसानी से होता नहीं है फिर भी गर्म दिमाग गरम, फोन गरम, सब गरम हो जाता है। यही था कुछ प्रॉब्लम। सो
मुलाकात होगी मेरे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पर रेड कलर का मैंने मैंने क्यों लगाया है लाइट, रेड कलर लाइट क्यों क्यों? आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाए नीचे, यहाँ पर नीचे है, और सब्सक्राइब कर दो, इसीलिए तो लगाया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।